So in the previous video we have seen many fundamentals regarding wave. आज हम wave को physically deal करने की कोशिश करेंगे. Wave एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मतलब energy जाता है. अगर किसी एक medium में wave बहुत ही आसानी से जा पाता है, तो उस medium को उस wave के लिए कहते हैं it is a rarer medium. किसी एक मीडियम में जाने में बड़ा डिफिकल्टी होता है, बहुत ही धीरे धीरे जाता है, तो उस मीडियम को उस वेव के लिए डेंसर मीडियम कहते हैं. तो क्या लिखेंगे? सो टुडेस क्लास कंटिन्यू, वी आर कंटिन्यूइंग विद सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोपागेशन ऑफ वेव. If a wave can easily pass through a medium, with high speed, then that medium is called a rarer medium. For that wave. In contrast, the medium in which wave goes slow is called a denser medium. अभी denser medium है या rarer medium है, ये उसका density के साथ depend नहीं करता है, वो nature of medium के ऊपर depend करता है, density के ऊपर depend नहीं करता है. Just let me explain you. Suppose आप यहाँ पर गए थे, मान लो आपकी घर से आप स्कूल को जाना चाहते हो, फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल नाउ, या फिर आपकी स्कूल की प्लेग्राउंड से क्लासरूम में जाना चाहते हो. आपके पास बरंडा इधर से जाने के लिए भी रास्ता है और इधर से जाने के लिए भी रास्ता है, ठीक है. और पता चला कि इधर वाले बरंडे में तेल पड़ा हुआ है, ऑयल इज देयर, तो दो पाथ है, आप दौड़ के इधर से भी वन पाथ से भी जा सकते हो, टू पाथ से भी जा सकते हो. कौन से रास्ते में आप जोर से दौड़ के क्लासरूम को जा पाओगे, वन में या टू में? कौन से पाथ में आप जोर से दौड़ के जा पाओगे? एक बरंडा में तेल गिरा हुआ है, स्लिपरी है, दूसरा तो रफ है एज यूजुअल. कौन से पाथ में आप ज्यादा स्पीड में दौड़ के, ऑब्वियसली इन पाथ टू, क्योंकि सेकेंड पाथ में दौड़ सकते हो, तो आप कहेंगे ये जो पाथ हो गया आपके लिए बन गया ये रेरर पाथ. ये जो पाथ है इसमें आप नहीं जा पा रहे हो दौड़ के, इसको आप कहोगे डेंसर पाथ. इसमें जाओगे तो आपको धीरे धीरे जाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा चितपटांग गिरोगे और अनुलोम विलोम करते रहोगे. समझ में आया कि नहीं आया? तो पता चला ये हो गया डेंसर पाथ, ये हो गया रेरर पाथ. इसमें डेंसिटी वेंसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है. जिस रास्ते में ये जोर से जा सकता है वो हो गया रेरर, जिसमें ये स्लो से जा सकता है वो डेंसर. सिमिलरली हम कहेंगे लाइट. लाइट जब जाता है किसी एक मीडियम में, लाइट के लिए आप जानते हो लाइट लाइट एयर में तो ज्यादा स्पीड में जाता है, किसी मीडियम के अंदर जाने से स्लो हो जाता है, उसको घुस घुस के जाना पड़ता है. उसको तो वैसे भी कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, जबकि लाइट जब एयर में जाता है तो अपना वेलोसिटी में जाता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड. लेकिन जब वो ग्लास के अंदर जाता है उसका स्पीड उतना ज्यादा नहीं रहता है, काफी कम रहता है, 2×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है. तो अगर हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट in air
ये दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं खाली समझने के लिए। इन एयर इज 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, बट दैट इन ग्लास इज 2×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या कहोगे, फॉर लाइट ग्लास इज ए डेंसर मीडियम बट एयर इज ए रेयर मीडियम। समझ में आ गया, क्योंकि ये ग्लास में धीरे धीरे जाता है, एयर में ज्यादा जाता है। बट लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। साउंड इज आप इसको ग्लास कहो या फिर इसको वाटर ही कर लो, ताकि हम दूसरे एग्जांपल के साथ कंपेयर कर पाएंगे। वाटर में उसका वेलोसिटी होता है कितना, 1.33×10^8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वाटर में म्यू होता है 4/3, तो टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पावर एट मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम कहेंगे फॉर लाइट वाटर इज ए डेंसर मीडियम। अब साउंड के बारे में आप जानते हो, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो ये फ्लूइड्स में आसानी में जाएगा कि सॉलिड्स में आसानी में जाएगा, आसानी से फ्लूइड्स में। इसको क्या चाहिए, वेव मस्ट बी कंप्रेसिबल, क्योंकि ये वेव प्रोपागेट्स थ्रू कंप्रेसर अंडर रिफ्लेक्शन। तो हम क्या कहेंगे, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड इट प्रोपागेट्स थ्रू कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। इट कैन इजीली पास थ्रू वाटर। तो सेम वाटर जो लाइट के लिए एक डेंसर मीडियम था, अब वाटर साउंड के लिए एक रेयर मीडियम बन गया। दस वाटर इज ए डेंसर मीडियम फॉर लाइट, बट रेयर मीडियम फॉर longitudinal waves। longitudinal wave के लिए same water rarer medium जैसे behave करता है। so water behaves as a denser medium for transverse waves। ठीक है, तो और rarer medium for longitudinal waves। तो इतने सारे चीजों से हमें एक चीज समझ में आया कि किसी एक मीडियम में किसी एक वेव का वेलोसिटी क्या होगा कौन डिसाइड करता है, टाइप ऑफ वेव एंड नेचर ऑफ द मीडियम, टाइप ऑफ द वेव और एंड नेचर ऑफ मीडियम, ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि हमारा वेव का वेलोसिटी किसी मीडियम में क्या होगा। तो पॉइंट नंबर 1 हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग पॉइंट नंबर 2 में जाएंगे। जो चाहे पॉज लगा के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े, मैं मिटाया इसको। राइट में नीचे है सर, राइट में हो गया। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो इसको मैं अभी मिटाता हूं। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर 1 हम देख लिए। इतना सारा डिस्कशन में से कंक्लूजन क्या निकला, क्या निकला कंक्लूजन? कंक्लूजन निकला पॉइंट नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ ए वेव इन ए मीडियम किसके ऊपर डिपेंड करता है भैया? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वेव और टाइप ऑफ वेव, टाइप ऑफ वेव एंड नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। कहने का मतलब हुआ एयर में साउंड का वेलोसिटी क्या होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। अभी अगर मैं चिल्लाता हूं, मोटे आवाज में चिल्लाता हूं मुगम्बो खुश हुआ, तो अभी मेरा साउंड जितने जोर से भागेगा, कोई अगर लता मंगेशकर की टोन में बोलेगी कि मुगम्बो खुश हुआ, उसका आवाज भी उतने जोर से जाएगा। मैं जोर से बोलूंगा तो जितना जोर से जाएगा साउंड वेव, मैं धीरे से बोलूंगा फुसफुसा के तभी उतने जोर से जाएगा, बिकॉज द टाइप ऑफ वेव इज फिक्स्ड, मीडियम वेव इज फिक्स्ड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज सेम फॉर ऑल साउंड वेव इन एयर। जस्ट जानने के लिए हम कहेंगे एग्जांपल में लिखेंगे फॉर ऑल साउंड वेव्स, क्योंकि बहुत सारे किस्म के साउंड वेव होते हैं, मोटे वाले होते हैं पतले वाले होते हैं। वो मोटा पतला क्या है अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसको हम लोग पिच कहते हैं। मोटे वाले होते हैं पतले वाले होते हैं, है ना। जो ज्यादा एम्पलीट्यूड वाले होते हैं जिसको हम कहते हैं कि वॉल्यूम बढ़ा दिया, मतलब ज्यादा एम्पलीट्यूड वाले होते हैं, कम एम्पलीट्यूड वाले होते हैं, बहुत किस्म के होते हैं। तो सारा साउंड वेव के लिए फॉर ऑल साउंड वेव्स वेलोसिटी इन एयर इज सेम, कोई अलग अलग नहीं है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि साउंड एक पर्टिकुलर टाइप का वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एयर में साउंड का वेलोसिटी तो फिक्स्ड है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। पॉइंट नंबर 3, अब मैं आपको बताऊं कि साउंड को अभी मैं डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू डिजिटाइज द साउंड। कैसा होता है वो साउंड, चलो सोचते हैं। तो डिजिटाइज करने का मतलब हुआ है वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी। पहले देखो इन जनरल, चलो सोचते हैं साउंड के बारे में, तो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, इन जनरल वेव के बारे में सोचते हैं। सपोज यहां पे कोई एक रस्सी को ऐसे बांध दिया गया है, लंबा सा रस्सी है 10 मीटर, मैं यहां से इसको खींच के रखा हूं, आई एम पुलिंग द रोप एंड आई शेक माय हैंड वंस, ऐसे करके एक बार कर दिया फिर रुक गया मैं, तो मैं क्या देखूंगा एक वेव बन गया और वो वेव भाग रहा है धीरे 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 धीरे। अब जैसे ही मैं शेक कर दिया एक वेव बन गया, आप मैं चुप हो गया हूं, थोड़ी देर के बाद देखोगे वो वेव आके यहां पर पहुंच गया है, और थोड़ी देर के बाद देखोगे वेव आके यहां पर पहुंच गया है, लगेगा कि ये मूव कर रहा है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए वेव पल्स। सो यू आर सेंडिंग ए वेव पल्स, एक वेव पल्स जा रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या किया, एक बार शेक किया एक ठो वेव गया, थोड़ी देर के बाद दोबारा किया और एक ठो वेव गया, तो ठीक है। सो वेन वी फाइंड कोई, तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर हम एक बार इसको ऑसिलेट करके छोड़ देते हैं और बंद कर देते हैं, एक हो जाएगा वेव दिखेगा, जिसको हम वेव पल्स कहते हैं। सपोज हम एक बार ऑसिलेट किए थोड़ी देर रुके, फिर ऑसिलेट किए फिर थोड़ी देर रुके, फिर मैं नंबर ऑफ वेव छोड़ने लगा हूं। सो मैंने नंबर ऑफ वेव्स को यू से इट इज कॉल्ड ए वेव ट्रेन, वेव पल्स वेव ट्रेन नाम से ही पता चल रहा है। अगर मैं इसको कंटिन्यूअसली ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा हूं, तो आपको दिखेगा ये वेव ऐसा 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 होके आगे भाग रहा है। ऑल पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस, एनर्जी इज गोइंग लाइक दिस, यू आर क्रिएटिंग ए ट्रांसवर्स वेव। So if you are continuously oscillating, what you are doing? You are creating number of waves in this wire. How many number of waves you are producing per second?
अगर आप एक सेकंड में पांच बार ऐसे किए मींस यू आर क्रिएटिंग 5 waves per second दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। समझ में आया क्या? तो हम समझाएंगे यहां पे, हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज गिवन बाय नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। कितना तो वेव आप प्रोड्यूस कर रहे हो पर सेकेंड, कितना तो वेव आप प्रोड्यूस कर रहे हो पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, अगर आप 10 तो वेव बना रहे हो पर सेकेंड और सारे वेव आगे जा रहे हैं तो यू से द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 10। कोई बना रहा है 20 तो 20 जा रहे हैं। सोचो हम क्या करेंगे, हाथ में कुछ कंकड़ कुछ पत्थर ले लेंगे और कोई एक पूल है, पानी है, पॉन्ड है, पॉन्ड के किनारे बैठ गए, एक पत्थर डाले वेव गया, दो पत्थर डाले दो तो वेव गया, वो पहला वाला भी जा रहा था, दूसरा वाला उसका पीछे पीछे गया, व्हाट इज गोइंग नाउ ए वेव ट्रेल। समझ में आया क्या? एक पॉल दूसरे पॉल के साथ लिंक्ड नहीं है, वो कुछ गैप लेके जा रहे हैं। तीसरा डाले, तीसरा जा रहा है, यू आर सेंडिंग वेव ट्रेल। सपोज आप पत्थर को पड़ापड़ डालने लगे, एक सेकंड में 5 पत्थर डाले तो यू फाइंड कंटिन्यूअसली द वेव्स आर गोइंग, यू से यू आर क्रिएटिंग ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 क्योंकि यू आर ड्रॉपिंग 5 stones पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ना? सपोज यू आर ड्रॉपिंग 20 stones पर मिनट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी विल बी 4 stones पर सेकेंड, दैट इज 4 विल बी द फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज गिवन बाय नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, इट्स यूनिट इज, इट हैज यूनिट, यूनिट हर्ज, इसको हर्ज से लिखते हैं, इतना हर्ज का फ्रीक्वेंसी। आप सुनते हो ना रेडियो मिर्ची 104 MHz का है ना, धूम मीठा, वो सब सुनते हो आप लोग, कितने कितने मेगाहर्ट्ज का, गीगाहर्ट्ज का, वो सब आप लोग सुनते हो। सो फ्रीक्वेंसी इज हर्ज। फॉर एग्जांपल इफ ए सोर्स प्रोड्यूसेस, सोर्स प्रोड्यूसेस 20 waves per minute, then its frequency is f is equal to, frequency is equal to f is equal to क्या है, number of waves produced per second पर सेकेंड। 20 वेव्स बना रहा है पर मिनट में, 20 और 120 का तो 120 पर 60 क्योंकि एक मिनट को 60 सेकेंड होते हैं, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2, क्या यूनिट है, हर्ट्ज, सो द फ्रीक्वेंसी इज 2 hertz। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज 2 hertz। तो हम देखे कि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज 2 hertz। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, वो ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव कौन डिसाइड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या टाइप ऑफ वेव के ऊपर डिपेंड करता है, नो, क्या मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, नो, जब पॉन्ड में आप वेव बना रहे थे पत्थर डाल के किसके ऊपर डिपेंड करता था, आपके ऊपर डिपेंड करता था, कितने तो पत्थर गिरा रहे हो पर मिनट पर सेकेंड, है कि नहीं। मैं कोई रस्सी बंधा हुआ है उसमें वेव क्रिएट कर रहा हूं, मेरा मर्जी है भाई मैं कितना फ्रीक्वेंसी बनाऊं, है कि नहीं। मैं मोटे आवाज में बोलूंगा कि पतले आवाज में बोलूंगा, मेरा मर्जी है, मोटा पतला आवाज में फ्रीक्वेंसी बदल जाता है, मेरा मर्जी है। सो फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है, कोई दूसरा नहीं डिसाइड करता है, डिसाइड करता है सोर्स, जो साउंड जो वेव को बना रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव
is decided by a by the source producing wave, जो सोर्स वेव बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड once it is produced, एक बार हो गया तो फ्रीक्वेंसी को आप किसी वेव का बदल नहीं सकते, है ना। मान लो एक रस्सी बंधा हुआ है, मैं यहां पर एक सेकेंड में छह बार ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया, मतलब छह टू वेव ट्रीट किया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव वाज सिक्स। अब किसी भी वक्त पे कितने भी दूर जाने के बाद आप अगर रास्ते में रस्सी के पास कहीं वेट करोगे, एक सेकंड में आपके सामने छह टू वेव निकल जाएंगे, फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी को तो भगवान भी नहीं बदल सकता, फ्रीक्वेंसी ये सब कैरेक्टरिस्टिक जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चल के हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर करने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव कैन नेवर बी चेंज्ड, कोई कितना मेहनत कर ले नहीं कर पाएगा, इसको चेंज नहीं कर पाएगा। एक पर्टिकुलर केस है जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी बदल जाता है, उसको कहते हैं कॉम्प्टन इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट, COMPTON, कॉम्प्टन इफेक्ट। बट अभी आपको ये सब बारे में नहीं जानना, मैं खाली बता दिया भाई चांस कोई बुला रहा होता है। एक ही केस है, ओनली वन केस एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स जिसमें कॉम्प्टन इफेक्ट होता है, इसमें कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी बदल जाता है। बट हम लोग तो अभी मैकेनिकल वेव की बात करें, क्यों मैकेनिकल की बात करें, हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव कैन नेवर बी चेंज, कोई भी वेव का फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकते। सपोज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव यू आर हियरिंग नाउ, मे स्ट्राइक इट हियर, एक सेकंड में कितने बार मारा उतनी साउंड वेव आपके पास पहुंच रहे हैं, और उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता। सो फ्रीक्वेंसी इज हाउ मेनी वेव्स आई एम प्रोड्यूसिंग हियर, जितने बार मारता हूं आवाज निकलता है, जितने बार मारता हूं आवाज निकलता है। एक सेकंड में अगर मैं पांच बार मारा या एक सेकंड में मैं दो बार मारा, फ्रीक्वेंसी विल बी अकॉर्डिंगली डिफरेंट। वो कितने भी दूर में आदमी खड़े रहे, चाहे किसी भी मीडियम के अंदर से वेव जा रहा है, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। इवन व्हेन द साउंड वेव इज और एनी वेव इज पासिंग थ्रू वाटर, देन थ्रू ग्लास, देन थ्रू एनी अदर मीडियम, एवरीथिंग उसका वेलोसिटी वेलोसिटी बदलेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, लेकिन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलने वाला है। तो ध्यान रहे, फ्रीक्वेंसी इज डिसाइडेड बाय द सोर्स व्हिच प्रोड्यूसिंग द वेव, वेलोसिटी इज डिसाइडेड बाय द मीडियम थ्रू व्हिच द वेव इज गोइंग। ध्यान रहे, जब तक मीडियम सेम है, टाइप ऑफ वेव सेम है, टाइप ऑफ वेव मतलब लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है, बस और कुछ नहीं, लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है, टाइप ऑफ वेव सेम है, मीडियम सेम है, वेलोसिटी फिक्स्ड, जो सोर्स उसमें वेव बना रहा है, कितना टू वेव बना रहा है, उस सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देता है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इट इज प्रोड्यूस्ड। तो हम लोग देख लिए वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी। चलिए अब मैं आपको और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बताने वाला हूं जिसको कहते हैं वेवलेंथ। क्या है वो वेव का लेंथ, नाम से ही पता चल रहा है, वेव का लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब मैं किसी एक मीडियम में किसी एक रस्सी में वेव बना के छोड़ रहा हूं, आपको वेवलेंथ पता करना है। तो क्या है वो वेवलेंथ, नाम से ही तो पता चल रहा है, लेंथ ऑफ द वेव, है ना, लेंथ ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, सो सिंपल। चलो देखते हैं, सपोज हम कहेंगे नाउ वी आर गोइंग फॉर द पॉइंट नंबर 5, वेवलेंथ। तो जब कोई वेव ऐसे जा रहा है कोई रस्सी में, हम देखें इसको वाइब्रेट किए, इसमें ऑसिलेशन होके ऐसे वेव से ऐसे ऐसे वेव जा रहे हैं, ठीक है।
ये वे का कभी ऊपर ऊपर की तरफ ऑसिलेट किया था तो कभी नीचे की तरफ ऑसिलेट किया था, और ये वेव कुछ ऐसे जा रहा था। लेंथ ऑफ द वेव, लेंथ ऑफ द वेव मतलब यहां से यहां तक, इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ द वेव, है ना। या ये जो पॉइंट, इस ये पॉइंट को हम लोग थोड़ा कहते हैं क्रेस्ट, और ये पॉइंट को कहते हैं ट्रॉ, ठीक है। क्रेस्ट एंड ट्रॉ होता है, ये दोनों पॉइंट का नाम होता है। जब कोई वेव ऐसे जा रहा है जो आपका, और ये हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्रेस्ट कहते हैं, जो डिप्रेशन क्रिएट होता है लोएस्ट पॉइंट को कहते हैं ट्रॉ। तो ये क्रेस्ट हुआ, ये ट्रॉ हुआ, ये क्रेस्ट हुआ, तो फिर इसे इसे बहुत सारे क्रेस्ट बनेंगे, बहुत सारे ट्रॉ बनेंगे जब ये वेव पास कर रहा है। तो हाउ वी डिफाइन क्रेस्ट एंड ट्रॉ, द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट, लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रॉ, ठीक है। हाँ, so, अगर कहेंगे we consider ये यहाँ पर जो पार्टिकल था एक्चुअली रस्सी ये था, दिस वाज़ द रोप, ये रोप ने ये पार्टिकल ऊपर ऑसिलेट किया, नीचे किया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हो रहा है और वेव जा रहा है। किसी एक पर्टिकुलर समय में जब ये वाला हिस्सा ऊपर है, ये वाला हिस्सा नीचे है, सो दे आर एट द डिस्प्लेसमेंट्स, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो हम कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रॉज इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड वेवलेंथ। कौन डिसाइड करेगा वेवलेंथ को, सोचेंगे, इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये चीज याद रखना, वेवलेंथ को हम लोग लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं, और ये डिस्टेंस है ऑब्वियसली यूनिट विल बी मीटर, यूनिट विल बी मीटर, ठीक है ना। तो हम कहेंगे एक क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का कंजुगेटिव, इसके बगल में है, दिस इज व्हाट इज लैम्ब्डा, या फिर एक ट्रॉ से दूसरा ट्रॉ का डिस्टेंस यू कॉल इज लैम्ब्डा, इज वेवलेंथ, है ना। सपोज हम कहेंगे, आपको समझ में आया कि नहीं चेक करने के लिए, सपोज हम कहेंगे कोई एक मीडियम में ये कोई एक वेव जा रहा है, ठीक है, ये कोई एक वेव जा रहा है। सपोज आई कंसीडर ए पॉइंट हियर, आई कॉल दिस पॉइंट एज ए, ठीक है, ये पॉइंट ऊपर तक गया है। आई कंसीडर दूसरा पॉइंट हियर, I call this point as B, I call this point as C, जो यहाँ तक गया है C, और जो यहाँ तक गया है उसको कहेंगे D, और आप कहोगे यहाँ का जो पॉइंट है ये पॉइंट है E, ठीक है। चलो E जो छोड़ो, यहाँ तक हम लोग कर लिया, अभी हम लोग A, B, C, D करके चार पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई किए। तो आप कहोगे हियर वेवलेंथ of the wave shown is lambda equal to, क्या है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऑप्शन ए में है डिस्टेंस ए बी, है ना, और ऑप्शन बी में है डिस्टेंस ए सी, ऑप्शन सी में है डिस्टेंस ए डी। कौन सा डिस्टेंस को आप वेवलेंथ कहोगे, थोड़ा ध्यान से देखो, बुक में ये डेफिनेशन दिया है क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ट्रॉ टू ट्रॉ, ठीक है भाई। तो हम तो जानते हैं कि वेवलेंथ होता है क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ट्रॉ टू ट्रॉ। तो ये जो पॉइंट से वो कैसा है, अगर हमें पूछा गया फिगर देख के बताओ कि कौन सा, ये सारा पॉइंट जो है फिगर में, मैं थोड़ा दिखा दूं आपको, ये सारा जो पॉइंट है ये सेम हाइट में है, ऐसा करके सेम हाइट में है, दे रही सेम हाइट। अब आपको बताना है कि ए से कहां तक का डिस्टेंस को आप एक वेवलेंथ कहोगे,
अगर यहां से होता तो यहां तक को कहते इक्विवेलेंट, लेकिन पूछा है ए से मगर थोड़ा पीछे से तो थोड़ा सा इधर सी, सो आंसर क्या हो गया, ए टू सी डिस्टेंस विल बी कॉल्ड ए वेवलेंथ, करेक्ट आंसर हो गया बी, ए सी इज वन वेवलेंथ। इतना आपके पास इमेजिनेशन होना जरूरी है, समझ में आ गया नाम, दिस इज व्हाट इज वन वेवलेंथ ए टू सी, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे पूछूं एग्जाम्पल में कि ए वेव हैज वेवलेंथ 6 मीटर, बहुत बड़ा बड़ा वेव बनता है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए क्रेस्ट एंड ए ट्रॉफ, क्रेस्ट और ट्रॉफ के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे क्रेस्ट टू क्रेस्ट होता है वेवलेंथ व्हिच इज गिवन 6 मीटर, तो क्रेस्ट टू ट्रॉ कहां होगा, ऑब्वियसली बीच में होगा, तो क्या होगा आंसर, लैम्डा बाय 2, आंसर इज लैम्डा बाय 2, दैट इज 6 बाय 2 इज 3 मीटर, सो वेवलेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर बिकॉज़ दिस इज द लेंथ, वेवलेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव, वेलोसिटी वेक्टर है भाई, एक डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव, दूसरे डायरेक्शन में नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन फिर ये फ्रीक्वेंसी तो नेगेटिव नहीं हो सकता और वेवलेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हो गया वेवलेंथ की कहानी। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव पॉइंट्स इज कॉल्ड टू कंजुगेटिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव ट्रॉस इज कॉल्ड वेवलेंथ, दो कंजुगेटिव ट्रॉ के बीच में इसके बीच में इसके बीच में डिस्टेंस को वेवलेंथ कहेंगे, तो कोई जरूरी नहीं कि क्रेस्ट टू क्रेस्ट मेजर करेंगे, यहां से यहां तक भी मेजर कर सकते हैं इफ यू अंडरस्टैंड, और ये थोड़ा हायर क्लास में आएगा ये दोनों पॉइंट बीच में क्या रिलेशन है कहेंगे, दे आर नाइदर एट द क्रेस्ट नॉर एट द ट्रॉफ, दे आर सेड टू बी इन सेम फेज, अभी मैं फेज नहीं बताने वाला हूं तो तुम लोगों को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वेवलेंथ देख लिए, फ्रीक्वेंसी देख लिए, वेलोसिटी ऑफ द वेव भी देख लिए, ये समझना में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे हम कहेंगे ये कोई एक वेव है और आप जानते हो कि इस पोजीशन के बीच में डिस्टेंस लैम्डा है, पूछा है क्रेस्ट और ट्रॉफ पोजीशन के बीच में, आप क्या यहां से यहां तक का डिस्टेंस देख रहे थे, डोंट सी दिस डिस्टेंस, ये तो सेम पार्टिकल एक ही जगह ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब इन दोनों पोजीशन के बीच में डिस्टेंस क्या है, ऑब्वियसली पूरा यहां से यहां तक अगर लैम्डा होता है तो ये आधा तक लैम्डा बाय 2 होगा, so that we could see what is the distance between minimum distance between crest and trough, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, relation between v f and lambda, चलो आप खुद ही relation निकालने की कोशिश करो, मैं खाली आपको help करूंगा, क्या हुआ क्या हुआ कि ये कोई लंबा सा रस्सी कहीं दूर पे लगा है, यहां से मान लो जो कि 100 मीटर दूरी पे लगा है, मैं यहां पे इसको एक बार ऐसे ऑसिलेट करवा दिया, कैसे ऐसे, तो एक वेव गया और फिर मैं रुक गया, फिर ये वेव चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, एनर्जी इज गोइंग गोइंग गोइंग, ठीक है। मैं मान लो कि इसको कंटिन्यूअसली ऑसिलेट किया, तो मान लो कि दो बार लगातार दो बार किया तो क्या दिखेगा आपको, ऐसा वाला एक वेव जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लगातार तीन बार किया तो तीन ठो वेव ऐसा वाला वेव ये कंटिन्यू करके जा रहा है, मस्ट फ्री, अगर मैं लगातार तीन बार किया तो ये तीन बार ऐसे करके जा रहा है, अच्छा ऐसा 10 बार किया तो 10 का एक ब्लॉक ऐसे जाएगा, है ना, 3 बार किया
और सपोज मैं कहूं कि एक सेकेंड में मैं इसको कितने बार ऑसिलेट किया, जितने बार ऑसिलेट किया उसको तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एक सेकेंड में एफ बार ऑसिलेट किया, चलो थोड़ा छह बार ऑसिलेट किया, तो ये छह ढोगे, या अभी तीन ही दिखा रहे हैं तो तीन क्या करेंगे, तीन बार ऑसिलेट किया, तीन ढोगे अभी जाने लगे। मतलब मैं जब तक ये पॉइंट को तीन बार ऑसिलेट किया हूं, तीन बार ऑसिलेट किया हूं, ये यहां तक आ गया था, ये इसके पीछे पीछे जा रहा था, मतलब ये कितना दूर गया था, यहां से यहां तक एक लामड़ा, दूसरा लामड़ा, तीसरा लामड़ा, सो आई से इट हैज गॉन ए डिस्टेंस थ्री लामड़ा। सो बाय द टाइम आई मेड थ्री ऑसिलेशंस इट हैज गॉन ए डिस्टेंस थ्री लामड़ा। समझ में आया? अगर मैं एक सेकेंड में इस पॉइंट को एफ बार ऑसिलेट करता हूं तो एफ सेकेंड में कितना दूर जाएगा, एक लामड़ा, एक लामड़ा इज द डिस्टेंस मूव्ड इन वन सेकेंड। अच्छा ये वेव जो इधर जा रहा है एक सेकेंड में कितना दूर जा रहा है, एक लामड़ा, तो उसका वेलोसिटी कितना है, एफ लामड़ा। समझ में आ गया? सो द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लामड़ा इज वी इज इक्वल टू एफ लामड़ा। समझ में आया? समझ में आ जाना चाहिए सबको। दोबारा बताता हूं, अगर मैं यहां पर एक लंबा सा रस्सी है, इस एंड को पकड़ के शेक करता हूं, मैं मान लो कि तीन बार ऑसिलेट किया लगातार, तो तीन ठोके बने और वो जाने लगे। जब तीसरे बार ऑसिलेशन में खत्म किया, देखा कि पहला ऑसिलेशन का जो वेव बन चुका था वो यहां तक आ चुका है, ये यहां तक आ चुका है और ये आगे जा रहा है, कितना दूर आ चुका है, अगर ये यहां से यहां तक, आप जानते हो क्रेस्ट टू क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट होता है एक लामड़ा, है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक लामड़ा होगा, तो यहां से यहां तक एक लामड़ा होगा, यहां से यहां तक दूसरा लामड़ा होगा, यहां से यहां तक तीसरा लामड़ा होगा। मतलब जब तक मैं तीन ठोके बनाया ये आगे चला गया है थ्री लामड़ा, ठीक है, जब तक मैं तीन ठोके बनाया ये आगे चला गया है कितना ना थ्री लामड़ा, जब तक मैं एन वेव बनाऊंगा ये कितना आगे जाएगा एन लामड़ा। तो क्या लिखेंगे, लेट लेट द सोर्स प्रोड्यूसेस एन नंबर ऑफ कंटिन्यूअस वेव्स, टी सेकेंड में एन टू वेव बनाया, ठीक है, एट द एंड ऑफ टी सेकेंड, एट द एंड ऑफ टी सेकेंड द वेव मस्ट हैव मूव्ड, मस्ट हैव मूव्ड ए डिस्टेंस, कितना कितना डिस्टेंस गया होगा, डिस्टेंस n इंटू लामड़ा, n इंटू लामड़ा, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो गया, कितना डिस्टेंस गया है, कितना समय में गया है, n लामड़ा बाई t, सो हमें मिल गया v इक्वल टू n लामड़ा बाई t, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। नाउ नाउ इफ एयर वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन टी सेकेंड्स देन इफ द फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, क्या है ये, ए टू वेव बनाया टी सेकेंड में, एक सेकेंड में एन बाई टी, सो फ्रीक्वेंसी हो गया एन बाई टी, दस वी इज इक्वल टू एन लामड़ा बाई टी कैन बी रिटन एज एफ इंटू लामड़ा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लामड़ा। वी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ वेव, कंफ्यूज मत करना, वेलोसिटी ऑफ वेव ये हो गया फ्रीक्वेंसी और ये हो गया
गुडलेन। तो ये जो स्टेटमेंट हम लोग अभी डेवलप किए इसके बारे में देखेंगे। In the previous video, we described waves using their wavelength, lambda, which is the distance between crests. Their frequency, f, is how many waves the source makes per second, and is the same as the number of waves that pass by a point each second. The speed, v, is how fast each wave crest moves. It's also the distance each crest moves per second. The cool thing is that we can now use the frequency and wavelength to work out the speed of the wave. Here's how. Let's choose a wave with a 2 Hz frequency and a 3 meter wavelength. Speed means distance divided by time. So the easiest method is to see how far the wave travels in 1 second. Then the speed will be that distance per second. How many wavelengths will it travel in a second? Let's see. That was 1 second. Let's try it again. The wave moved 2 wavelengths in 1 second. That makes sense because 2 Hz means 2 waves per second. So the wave must have moved ahead by 2 wavelengths. Each wavelength is 3 meters long, so it travelled 6 meters altogether. The speed must be 6 meters divided by 1 second, or 6 meters per second. Notice that the frequency 2 Hz multiplied by the wavelength 3 meters also gives the same answer. Six. Is this a coincidence? Maybe not, because in 1 second, all waves must move a distance of the number of waves made, which is their frequency, times the length of each wave, which is their wavelength, equaling their speed. भी तो डिसाइडेड है कौन सा मीडियम में जा रहा है, कौन सा मीडियम में जा रहा है, कैसा वेव है, वो डिसाइड कर लेता है भी। एफ तो डिसाइडेड है सोर्स के ऊपर, सोर्स को अपना मर्जी है कितना फ्रीक्वेंसी का वेव बनाएगा, कितना डो वेव पर सेकंड बनाएगा। तो आप लैम्डा को कौन डिसाइड करेगा, वो ऑटोमेटिकली डिसाइडेड है। अगर ये फिक्स्ड है, इसको बनाने वाला फिक्स्ड है, वो अपना मर्जी से बना रहा है, ये अपना मर्जी से बना रहा है, ये किसका मर्जी से बन रहा है, दोनों का मर्जी से बन रहा है। मतलब लैम्डा विल डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ बी एंड एफ। लैम्डा किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ वेव, नेचर ऑफ द मीडियम एंड द सोर्स प्रोड्यूसिंग द वेव, ये सारे मिलके लैम्डा डिसाइड करते हैं। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, लैम्डा एल ए एम डी ए लैम्डा ऐसे कहते हैं उसको। समझ में आया क्या, डी इक्वल टू एफ लैम्डा। तो आपको ये चीजें बढ़िया से समझ में आना चाहिए, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप के बारे में और कुछ 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको अभी बताने वाला हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको अभी बताने वाला हूं। आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी। आगे सर जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लो पहले इसको। तो हम देखे कि ये भी इसको देख लो, हमारा रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ, भी इज डिसाइडेड बाय द मीडियम एंड द नेचर ऑफ द वेव, ए इज डिसाइडेड बाय द सोर्स, और लैम्डा बेचारा फोर्सफुली इज डिसाइडेड बाय वी एंड एफ। ठीक है, कोई अगर आपको पूछेगा बताओ कोई वेव का, बड़ा कंफ्यूजन करता है ये स्टेटमेंट। जैसे हम कहेंगे कि ये जो वी इज इक्वल टू लैम्डा रिलेशन से, कोई अगर पूछेगा ये फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है,
स्कूल वाले बार बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो दो साउंड वेव है, एक का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एक का फ्रीक्वेंसी कम है, किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा? आउट ऑफ ए हाई फ्रीक्वेंसी एंड ए लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव, हूज वेलोसिटी, हूज वेलोसिटी इज मोर इन एयर? अरे आपको क्या हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा हो? अरे नहीं 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 नहीं, वेलोसिटी इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एफ और लैम्डा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रहे। वी डज नॉट डिपेंड ऑन एफ, डज नॉट डिपेंड ऑन एफ, ये एफ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वी डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर, टाइप ऑफ वेव के ऊपर। तो आप क्या क्या कहोगे? सेम फॉर बोथ, ध्यान रखना। और कभी कभार कहते हैं कि एफ इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा, किसी एक रेरर मीडियम में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि डेंसर मीडियम में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। दूसरा एग्जांपल ऐसे आता है, एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज मोर इन रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम, ये समझ में आना चाहिए। कौन सा मीडियम में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? किसी में नहीं है भाई, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है अपने ऊपर। सो हम कहेंगे इट एफ, सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, ठीक है। ये वेलोसिटी के ऊपर और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वेवलेंथ तो खुद ही बाय प्रोडक्ट है, वी और एफ का बाय प्रोडक्ट वेवलेंथ है, ठीक है। तो एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव डज नॉट चेंज व्हेन इट इज पासिंग थ्रू ए डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम, एफ डज मोर ओवर, मोर ओवर एफ डज नॉट चेंज, व्हेन वेव पासेस थ्रू, वेव पासेस थ्रू, यहां पर लिख देते हैं, वेव पासेस थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, जब वेव कोई डिफरेंट मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, वेव पासेस थ्रू डिफरेंट मीडियम, जब अलग अलग मीडियम में जाता है फ्रीक्वेंसी इज नॉट गोइंग टू चेंज। तीसरा एग्जाम्पलरी क्वेश्चन पूछते हैं, व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स और गिव्स यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट नीचे से कौन दे रहा है? ऑप्शन दिया होगा, मीटर इनवर्स बिट नंबर टू, सेकेंड पावर मीटर बिट नंबर सी, सेकेंड इनवर्स डी नॉन, इनमें से कौन दे रहा है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन दे रहा है? थोड़ा सा सोचने से आप लोग बता दोगे। तो हम तो जानते हैं नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड होता है फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो गया? हर्ज, हर्ज मतलब
हर्ज मतलब क्या है, वेव्स प्रोड्यूस पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ ऐसा लिखेंगे, इफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एट एन इंटरवल ऑफ टी सेकेंड्स, देन एफ इज नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वन सेकेंड। अगर हम कहेंगे कि 0.2 सेकेंड के इंटरवल में हम वेव बना रहे हैं, तो एक सेकेंड में कितना रुकनेगा, 1/0.2, 1 में कितना तो 0.2 है कि नहीं। इफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एट एन इंटरवल ऑफ टी सेकेंड्स, देन नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड विल बी 1/t, एंड व्हाट इज दैट, ऊपर तो 1 है नीचे है सेकेंड, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज। तो वेव का फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो गया सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज, ठीक है। तो हमें पता चला कि v is decided by the medium and the type of the wave, f is decided by the source which producing the wave, lambda तो इन दोनों का by product है ना, lambda इन दोनों का by product है। दूसरा हुआ, as the wave is passing from one medium to other, medium is changing, v will change but the frequency will not change, frequency of a wave भगवान भी नहीं बदल सकते, लिख के रखना, frequency of a wave cannot change, one generated continues till it dies, ठीक है, wave frequency चलता रहता है। और अगर भी बदल जाता है अलग अलग मीडियम में, फ्रीक्वेंसी बराबर रहता है, तो ऑब्वियसली द वेवलेंथ इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, क्योंकि वेवलेंथ तो भी और एफ के बीच में फंसा हुआ है, ये दोनों डिसाइड करते हैं वेवलेंथ क्या होगा, है कि नहीं। और ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अगले क्लास में बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है।